अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफिस से होंगे। अमीन साहब के चैनल में आप सभी देखने वालों को, चाहने वालों को चाहिए नए दिन के आगाज़ के साथ नई वीडियो लेके हाजिर रही हूँ। और आज मैं ज़रा डेली व्लॉग, डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो आज का व्लॉग है वो ये है डेली रूटीन का। तो ज़रा मुझे कहीं जाना था तो मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और ये मेरा फ्रॉक है और फ्रॉक का जो कलर है वो ग्रीन है और रेड कंट्रास्ट है उसके साथ। और फ्रॉक के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग दी है सिल्वर कलर से। और ज़रा मैं मेहंदी लगा रही हूँ, कपड़े प्रेस हो गए हैं तो मेहंदी लग चुकी है मेरी पूरी, बस फिंगर्स वगैरह रह गई थी। तो मेहंदी में बस एक फिंगर रह गई है हमारी। और मेहंदी लगने में थोड़ा टाइम लगता है जैसे कि आपको पता है। तो राइट हैंड से लेफ्ट में लगा रही हूँ और राइट पे तो लग नहीं सकती खुद से, तो इस वजह से जैसे तैसे मैं नेट से डिज़ाइन देख के खुद से लगा रही हूँ अपने हाथ के ऊपर। तो मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो और घर के काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, बस मेहंदी का कलर जल्दी जल्दी आ जाता है। और तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मेहंदी। और ज़रा दूध बॉयल हो रहा था उसको मैंने ज़रा कहा देख लूँ, मेहंदी लग चुकी है, दूध बॉयल हो चुका है। अब मैं इसको उठा के रख दूँगी साइड पे। इसके बाद अभी जो वक्त हो रहा है वो दोपहर का जैसे 1 बज रहे हैं और साथ साथ सफाई भी हो रही है। तो अब मैं आ गई हूँ सिंक पे और अपनी जो मेहंदी है उसका कलर भी आ चुका है अच्छे अच्छे से। और देखें आप कितना ही प्यारा सा कलर है। और इधर इसको मैं उतार रही हूँ। बड़ा प्यारा ही कलर आया, खूबसूरत सा। अब ज़रा मैं शेक बना रही हूँ, बनाना तो नहीं है। और ज़रा देख रही हूँ एप्पल का शेक बना रही हूँ। दूध तो अभी जो बॉयल किए वो गर्म है, पहले का रखा हुआ था फ्रिज में तो वो मैंने उठाया है। एक ग्लास मैं शेक बनाऊंगी एप्पल का शेक, ये वाला दूध मैं ज़रा साइड पे रख दूंगी। और दूसरा उठाया मैंने। तो घर के काम तो इस तरीके से रूटीन वर्क होते रहते हैं। तो एक ग्लास शुगर मैं थोड़ी कम ऐड करूंगी, एप्पल्स मैंने 3 लिए हैं और 1 ग्लास दूध। और इस तरीके से तो शेक हमारा बन चुका है बिल्कुल ही। मेहंदी भी लग चुकी है, कपड़े भी प्रेस हो चुके हैं, घर के काम भी हो रहे हैं। तो रूटीन वर्क ज़रा दोपहर की मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मेहंदी मेरी कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स बॉक्स में। तो शेक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ज़रा मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपनी व्लॉग शेयर की जाए। अभी थोड़ी देर बाद ज़रा खाना बनाऊंगी। तो जी व्यूअर्स, मुझे तो लग रही है भूख और मैं शेक पीने लगी हूँ। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। तो अमरीन सैफ के चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।